हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में आप लोग को बताऊंगा कि आप अपनी एलईडी टीवी में सेट टॉप बॉक्स किस प्रकार कनेक्ट कर सकते हो। तो वीडियो को आपको एंड तक देखना और वीडियो को बिल्कुल भी स्किप नहीं करना। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में आप लोगों को सिखाऊंगा कि आप अपनी एलईडी स्मार्ट टीवी में सेट टॉप बॉक्स को किस प्रकार चला सकते हो। तो वीडियो को एंड तक देखना और वीडियो को बिल्कुल भी स्किप नहीं करना। तो ये रहा मेरा आई फॉलकन का जो कि 32 इंच का टीवी, और ये रहा मेरा सेट टॉप बॉक्स। ठीक है दोस्तों, ये रहे हमारे जो दोनों टीवी के क्लब, टीवी का और सेट टॉप बॉक्स का। ठीक है, अब आपको कैसे चलाना। तो सबसे पहले दोस्तों, हम जो कि लीडो के बारे में जो कहाँ किधर लगाते हैं तो उसके बारे में चेक कर लेते हैं। तो दोस्तों, एक लीड मिलेगी आपको आबी ए बी लीड। ठीक है दोस्तों, ये रही हमारी ए बी लीड। इस लीड को आपको एक जगह लगा देना पीछे सॉकेट। इसमें 3 वायर निकलेंगे। ठीक है, पहला वाला है जो कि आपका वीडियो का, तो इसमें येलो लगाना, और दूसरा वाला है आपका जो कि ऑडियो लेफ्ट, और ये वाला है तीसरा वाला, ये है आपका ऑडियो राइट। ठीक है, तो आप दोस्तों अब देखिए, आपको तीनों लीड इसमें लगाना। एक रहेगा ए बी जो कि ईयरफोन होता है, तो उसमें लगा देना। और आपका एक रहा, ठीक है, ये गया हमारा पीला वीडियो में। तो अभी हम इसको वीडियो में इधर लगा देते हैं। ठीक है, यहाँ पे भी लगा सकते हो। और एक रहा हमारा सिस्टम जो कि HDMI। तो दोस्तों, अगर आपको दिख रहा होगा HDMI, ठीक है, हमारा HDMI केबल लगा है वहाँ पे। और दूसरा वाला है हमारा कौन सा, जो कि ऑडियो वीडियो लीड का, लेकिन लीड का हम नहीं लगाएंगे। तो अब चलिए दोनों से भी आपको चेक करा देता हूँ एक बार। ठीक है, तो वीडियो को कंटिन्यू देखना। हाँ, तो दोस्तों आप लोग देख सकते हो, मैंने यहाँ पे वीडियो का लीड लगा दिया जो कि आपका येलो कलर का है। यहाँ पे पीला कलर का हमने उसमें वीडियो का लीड लगा दिया। और जो हमारा दूसरा HDMI का पोर्ट गया, वो हमारा लगेगा ओनली सिर्फ जो कि HDMI पोर्ट में। तो दोस्तों, अगर आपको दिख रहा होगा पीछे साइड से, मैं अभी दिखा रहा हूँ आपको। तो दोस्तों देखिए, ये रहा, ठीक है, तो ये लगा हमारा पीछे HDMI पोर्ट। तो वहाँ पर आप लोगों को HDMI पोर्ट लगा देना है। तो हमने HDMI पोर्ट लगा दिया। अभी हम स्विच को ऑन करते हैं दोनों जगह से। तो हमने यहाँ पे स्विच को, हमारा इसमें लाइट आ चुका है और हमारा टीवी में भी लाइट आ चुका है। ठीक है, अभी हम अपने टीवी को जो कि रिमोट की मदद से ऑन करते हैं। तो हमने इसको ऑन किया दोस्तों, हमारा टीवी है जो कि ऑन हो चुका है अभी पूरी फुल कंडीशन में। तो दोस्तों, अभी हम सेट टॉप बॉक्स को इसमें पेयर करेंगे। कैसे करना, हमने लीड सब कुछ लगा दिया, अब आपको काम क्या करना है, आपका जो है काम है रिमोट से काम रह गया। ठीक है, रिमोट से कुछ आपको बटन दबाने पड़ेंगे और जब ही आपका टीवी चलेगा। अगर आप अपने रिमोट से काम नहीं करोगे तो फिर आपका टीवी नहीं चलेगा। ठीक है, तो डायरेक्ट पहले तो यहाँ पर होम पेज पर आ जाएगा, अगर आपका एंड्रॉयड टीवी है या फिर आपका नॉन एंड्रॉयड टीवी। ठीक है, तो आपका होम पेज पर आ जाएगा, तो उसको आपको सही करना है पहले। दोस्तों देखिए, आज मैं आप लोगों को दोनों तरीके से बताऊंगा, एक HDMI पोर्ट से, एक आपको बताऊंगा ए बी बी लीड से। ठीक है, ये रहा हमारा HDMI केबल। तो दोनों जगह से आप लोगों को बताऊंगा कि कैसे चलता है। ठीक है दोस्तों, तो वीडियो को एंड तक देखना। अभी दोस्तों हमारा, दोस्तों देख सकते हो हमारा जो टीवी है वो अभी पूरी तरीके से ऑन हो चुका है। तो दोस्तों, अब आपको करना क्या है, जो आपके रिमोट में एक ऑप्शन होगा सिक्योर का या फिर इनपुट बटन का, ठीक है, उस बटन को आपको प्रेस करना है। तो जैसे ये प्रेस करोगे तो यहाँ पर दोस्तों कुछ इस प्रकार का इंटरफेस आ जाएगा। तो दोस्तों देखिए, यहाँ पर आपको 4 ऑप्शन आएंगे, एक आपको ऑडियो वीडियो ए बी होम। ठीक है, तो सबसे पहले आपको मैं ए बी में चेक करा देता हूँ। ठीक है, हमने लीड लगाया था तो ए बी में चेक करा था कि हमारा सेट टॉप बॉक्स चलता है या फिर नहीं चलता है। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों देख सकते हो, हमने जैसे ही अपने ए बी पे लगाया तो हमारा सिग्नल बॉक्स की सर्चिंग हो गया और हमारा सेट टॉप बॉक्स बॉक्स जो कि चालू हो चुका है। तो चलिए दोस्तों, अब मैं आप लोगों को चैनलों को चेक करा देता हूँ जो कि वर्क कर रहा है और नहीं कर रहा। तो दोस्तों देख सकते हो, हमारा टीवी पूरा तरीके से चल रहा है। तो दोस्तों अब देख सकते हो, अभी हम आप लोगों को HDMI पोर्ट में चेक करा देते एक बार। ठीक है, जॉन में आपका HDMI पोर्ट लगा, आपको उसी वाले में लगाना। तो ये रहा रिमोट हमारा, ये आया यहाँ पे इनपुट बटन। ठीक है, HDMI 1 पे लगाते, तो 1 पे लगाओगे तो आपका नो सिग्नल आएगा क्योंकि हमारा 2 पे लगा। ठीक है, तो अभी हम इसको 2 पे चेक करते हैं एक बार। जैसे हमने 2 पे चेक किया तो हमारा जो कि क्वालिटी, आप देख सकते हो हमारा क्वालिटी भी बढ़ चुका है और अब आप रिमोट से भी चेक कर सकते हो। तो अब हमारा टीवी है जो कि पूरी तरीके से, जो कि अब सेट टॉप बॉक्स है जो कि HDMI पोर्ट से कनेक्ट हो चुका है। तो दोस्तों वीडियो अच्छा लगा, वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। चलिए दोस्तों, फिर मिलते हैं कोई नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए टाटा बाय एंड टेक केयर।